स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। लेट्स स्टार्ट अगेन अवर कंप्यूटर बुक साइबर किड्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अ न्यू चैप्टर मैनर्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर ऑन पेज नंबर 39। मैनर्स मीन्स क्या होते हैं? मैनर्स मीन्स होता है तौर तरीका। किसी भी वर्क को करने के लिए भी एक तरीके का यूज़ करें। उस तरह से हम लोग को कंप्यूटर भी यूज़ करते समय कुछ मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं को यूज़ करना चाहिए, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अब चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट कंप्यूटर इज़ अ वेरी डेलिकेट मशीन, सो वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है वो बहुत डेलिकेट मशीन है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको यूज़ करते समय कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। आप क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग नियर कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास बैठ के हमें खाना पीना नहीं चाहिए। मतलब आप जब कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप वहीं पर बैठ के अपना चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर यूज़ करें, जब कंप्यूटर सिस्टम को आप बंद कर दीजिए, फिर आप अपना ये सब वर्क करिए। कंप्यूटर करते करते ये सब वर्क नहीं करना चाहिए। Do not touch the computer screen with dirty hands। और कंप्यूटर के स्क्रीन को गंदे हाथों से टच नहीं करना चाहिए, वरना उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन ख़राब हो सकती है। इसलिए उसे गंदे हाथ से टच नहीं करना चाहिए, और ऐसे भी टच नहीं करना चाहिए। जब कोई अगर काम ना हो तो बेकार का कंप्यूटर स्क्रीन को टच नहीं करना चाहिए। Never keep the mouse विदाउट माउस पैड। माउस को बिना माउस पैड के बिना यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए, वरना जो उसका सरफेस होता है, उसका जो नीचे सेंसर होता है, वो ख़राब भी हो सकता है। कंप्यूटर रूम शुड ऑलवेज बी क्लीन। कंप्यूटर रूम आपका हमेशा क्लीन होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपकी कंप्यूटर मशीन है, उसको हमेशा साफ करते रहना चाहिए टाइम टाइम से। उस पर जो डस्ट बैठ रहा है उसको क्लीन करते रहिए। कंप्यूटर का जो आप जिसमें कंप्यूटर रख उस रूम को क्लीन रखिए। कंप्यूटर के सराउंडिंग्स में देखिए डस्ट नहीं बैठ रहा, उधर का क्लीन रखिए। मतलब आपको कंप्यूटर रूम को भी और कंप्यूटर को भी क्लीन रखना चाहिए। फिफ्थ मैनर क्या है? डू नॉट पुश एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट विल डिस्टर्ब द केबल कनेक्शन। देखिए, जब हम कंप्यूटर को यूज़ करें तो किसी पार्ट को ऐसे खींचना या फिर धकेलना नहीं चाहिए, इधर से उधर नहीं करना चाहिए, वरना उसका कनेक्शन बिगड़ जाएगा तो आपको करंट भी लग सकती है, या फिर आपका कंप्यूटर में कुछ सर्किट का कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा उसको खींचना नहीं चाहिए या फिर इधर से उधर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज पुट अ कवर ऑन योर कंप्यूटर आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क टू सेव इट फ्रॉम डस्ट। और हमेशा जब आपका काम वर्क ख़त्म हो जाए कंप्यूटर पे, तो उसको कवर कर देना चाहिए कि उस पर डस्ट ना बैठे। अगर उसके किसी पार्ट में डस्ट चला गया, फिर आपका कंप्यूटर उससे ख़राब भी हो सकता है। इसलिए हमेशा उसको कवर करके रखना चाहिए कि जब आपका वर्क हो तभी आप उसे ओपन करिए, नहीं तो उसे कवर करके रख दीजिए, कैसे कि वो ख़राब जल्दी ना हो। डू नॉट सिट वेरी नियर टू द कंप्यूटर, इट मे हार्म योर आइज। और कंप्यूटर स्क्रीन के बहुत पास से नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक मिनिमम डिस्टेंस बना के बैठना चाहिए, है ना, जो जिससे कि आपकी आँख भी आपके आईज भी को भी कोई हार्म ना हो और कंप्यूटर स्क्रीन आप यूज़ करें। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस बना के बैठना चाहिए मैक्सिमम। ऑलवेज सिट स्ट्रेट ऑन योर चेयर इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। हमेशा सीधे बैठना चाहिए, ऐसे झुक के कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए, सीधे बैठ के एकदम स्ट्रेट होके कंप्यूटर के सामने बैठना चाहिए और उसको वर्क करना चाहिए। सेव ऑल योर वर्क एंड क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स बिफोर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। ये देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कंप्यूटर को डायरेक्ट बस उनका काम हो गया, बस सारे प्रोग्राम्स खुले, डायरेक्ट वो लोग पावर स्विच बंद कर देते हैं। इस ऐसे करने से आपका कंप्यूटर 100% ख़राब हो जाएगा। जब आप जो भी काम कर रहे हैं, पहले आप सारे प्रोग्राम्स को बंद कर दीजिए, जो जो आपका वर्क है उसको सेव कर दीजिए, देन फिर टर्न ऑफ करिए कंप्यूटर को। क्योंकि जब आप दोबारा ऑन करेंगे तो फिर वो आपका फिर से वो सारा प्रोग्राम आप नहीं देख पाएंगे जो आपने सेव नहीं किया। इसलिए सारा वर्क को सेव करिए, सारे प्रोग्राम्स को वन बाई वन करके क्लोज करिए, देन फिर टर्न ऑफ करिए, शट डाउन करिए कंप्यूटर को। डायरेक्ट पावर स्विच से जाके कंप्यूटर ऑफ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब जब आप भी जब कंप्यूटर यूज़ करें तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, इन सारे प्रिकॉशंस को यूज़ करेंगे कंप्यूटर यूज़ करते समय। ओके, अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ PDF वर्क भी सेंड करूँगी, जिसे आपको अपने कॉपी में करना है, बुक में करना है। और इस चैप्टर का आप जितना भी एक्सरसाइज है आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत
ये बहुत इजी चैप्टर है और आप आराम से कर लेंगे, इसलिए आप अपने खुद से भी इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।